हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, मेंटेनेंस के प्रोविजन 125 CRPC पे मैंने ढेर सारे वीडियोज़ बनाए हैं और मैंने उनमें बताया है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी महिला अपने पति से, नाबालिग बच्चे अपने पिता से और माता पिता अपने पुत्र से भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र 125 CRPC के तहत न्यायालय के समक्ष दाखिल करती है तो न्यायालय को यह देखना होता है कि वो महिला ब्याहता पत्नी है उस व्यक्ति की कि नहीं, लीगली वेडेड वाइफ है कि नहीं, यानी शादी होना ज़रूरी होता है और वो भी विधिक रूप से शादी होना। अगर मामला हिंदू का है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी होनी चाहिए, अगर किसी और रिलीजन का है तो उस रिलीजन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं शादी के उसके अनुसार शादी होनी चाहिए। लेकिन क्या साथियों, अगर शादी विधिक रूप से प्रूव नहीं होती, मैरिज का कोई एविडेंस कोर्ट में 125 CRPC के केस में सुनवाई के दौरान नहीं आता है, इसके बाद भी क्या महिला मेंटेनेंस लेने की हकदार है? हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी पर बातचीत करने जा रहा हूँ। हाईकोर्ट एक मामला पहुँचता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और अभी सितंबर 2023 में उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच के द्वारा आदेश पारित किया गया। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके की बात कही गई और क्या आदेश पारित किया गया। साथियों, एक महिला के द्वारा 125 CRPC के तहत अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है और 14,000 पर मंथ मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। उस महिला के द्वारा कहा जाता है कि शादी के 2-3 दिनों के बाद ही मारपीट करना और 5,00,000 रुपया डाउरी की डिमांड करना शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, मामला जब कोर्ट में जाता है और हस्बैंड अपीयर होता है तो हस्बैंड के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरी शादी इस महिला के साथ नहीं हुई थी बल्कि इसकी बहन के साथ हुई थी, और इसकी बहन शादी होकर के आती है, मेरे साथ रहती है और इसके बाद ये दोबारा नहीं आती, क्योंकि ये किसी और से, उनका एक रिलेटिव था उससे ये प्यार करती थी और शादी के बाद भी अपने एक्स लवर के संपर्क में रही, इसलिए दोबारा नहीं आई, और मेंटेनेंस का मुकदमा इसकी बहन को दाखिल करना चाहिए, इसके साथ तो मेरी कभी शादी हुई ही नहीं। साथ ही फैमिली कोर्ट में मुकदमा चलता है, फैमिली कोर्ट में ट्रायल के दौरान फैमिली कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि उस महिला के द्वारा शादी का कोई भी स्ट्रांग एविडेंस दाखिल नहीं किया गया कोर्ट में। फैमिली कोर्ट यह पाती है कि चूंकि इस मामले में शादी साबित नहीं हुई है, वो महिला ब्याहता पत्नी नहीं है, लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, और जब वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो सेक्शन 125 CRPC के तहत अपने पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, क्योंकि वो पति और पत्नी का रिश्ता साबित नहीं कर पाई फैमिली कोर्ट के समक्ष। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा सेक्शन 125 CRPC के एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके खिलाफ वो महिला इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन दाखिल करती है तो हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्ग्यूमेंट किया जाता है और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। साथियों, जो क्रिमिनल रिविजन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल किया जाता है उसका नंबर है 850/2022 850/2022 श्रीमती प्रियंका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। 21 सितंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया था। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो मुख्य बिंदु था वह यह था कि क्या मेंटेनेंस देने के लिए शादी के स्ट्रिक्ट प्रूफ की ज़रूरत है या नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई केस ला का जिक्र किया जाता है। पहला केस जमनाबाई वर्सेज अनंत राय, इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी के बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा राजा थी वर्सेज गणेशा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज विल नॉट बी ए ग्राउंड टू रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस, शादी की वैलिडिटी मेंटेनेंस को रिफ्यूज करने का आधार नहीं है, यह बात कही जाती है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है इफ अदर रिक्वायरमेंट ऑफ 125 फुलफिल्ड,
अगर दूसरी ज़रूरतें 125 के तहत जो होनी चाहिए वो पूरी हो रही हैं तो शादी की वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है, वैलिडिटी को देखने की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस को रिफ्यूज करने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखते हुए और केस ला का जिक्र किया जाता है, कमला वर्सेज एम आर मोहन कमत, उसमें कहा गया था कि पक्षकार यदि पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ब्याहता पत्नी है और ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये कहा गया इन सारे केसला को देखने के बाद, पूरी पत्रावली को देखने के बाद, दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद कि कोर्ट को क्या देखना चाहिए। फैमिली कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को यह देखना चाहिए कि पड़ोसियों के नज़र में जो पक्षकार रह रहे थे वो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे। दूसरा कोर्ट को यह देखना चाहिए फैमिली कोर्ट को कि शादी की कोई भी रस्म हुई थी कि नहीं हुई थी, भले वे प्री मैरिज सेरेमनी हुई हो, प्री वेडिंग सेरेमनी हुई हो। तीसरा, इन दोनों का कोई इशू तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है, यह देखना चाहिए फैमिली कोर्ट को। शादी का प्रूफ बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रिक्ट प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा 125 मेंटेनेंस के मामले में, और यह कहा गया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट के द्वारा बहुत ही हाइपर टेक्निकल अप्रोच एडॉप्ट की गई। 125 का जो मामला है वह एक समरी मामला है, समरी मामले में एविडेंस के रूल लागू नहीं होते, डू नॉट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ मैरिज। दो बातें कही गई महत्वपूर्ण, डू नॉट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ एविडेंस नॉट अप्लाइड इन समरी प्रोसीडिंग। समरी प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूल अप्लाई नहीं होते और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रूफ, मैरिज के स्टैंडर्ड प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। 125 का सिर्फ यह उद्देश्य होता है कि पत्नी, नाबालिग बच्चे और माता पिता को मेंटेनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनको डेस्टिट्यूशन की लाइफ वो सफ़र ना करें, अभाव की ज़िंदगी को ना जिए। यह एक सोशल एनेक्टमेंट है। कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है कि 125 एज ए सोशल एनेक्टमेंट। तो यह महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए जो फैमिली कोर्ट का 125 को खारिज करने का जो आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है और महिला के क्रिमिनल रिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, तो साथियों 125 मेंटेनेंस के केसेस के संबंध में एक महत्वपूर्ण नया कानून हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया है कि अगर शादी का कोई महत्वपूर्ण मजबूत सबूत नहीं भी है तब भी गुजारे भत्ते से किसी भी महिला को मना नहीं किया जा सकता। आप कहां तक सहमत हैं इस फैसले से ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।